यूपी के कानपुर देहात में नारी सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस नाबालिग बच्चियों की तलाश से बहुत दूर है, जिसके चलते आईजी रेंज प्रशांत कुमार खुद सुरक्षा की कमान अपने हाथों में लेकर जिले की सड़कों पर निकल आए। जिले के अलग अलग दो थाना क्षेत्रों में रहस्यमय ढंग से गायब दो नाबालिग बच्चियों को खोजने में कानपुर देहात की पुलिस नाकामी के चलते आईजी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। दरअसल कानपुर देहात में पुलिस की साख पर खूब बट्टा लग रहा है, फिर चाहे पुलिस की हिरासत में युवक की मौत का मामला हो या फिर अलग अलग क्षेत्र से नाबालिग लड़कियों के गायब होने की बात, दोनों ही मामलों में पुलिस के पास कोई संतोष भरा जवाब नहीं है। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली गुड्डी देवी की नाबालिग बेटी पिछले 21 दिनों से गायब चल रही है। पीड़िता की माने तो उसकी बेटी का क्षेत्र के ही लोगों ने मिलकर अपहरण कर लिया और वह अपनी बेटी की तलाश करने के लिए पुलिस अधीक्षक से लेकर DM की चौखट तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब जरा गौर से तस्वीर को देखिए, जहां राज्य मंत्री के कार्यक्रम में बेबस माँ अपनी नाबालिग बेटी को ढूंढने की रो रो कर गुहार लगा रही है, लेकिन इसके आंसुओं पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ रही और ना ही इसकी बेबसी को कोई समझ रहा है। पीड़िता कहना है किसी ने खुद पुलिस को उसकी बेटी का अपहरण करने वाले लड़कों को पकड़ कर पुलिस की हिरासत में दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे थाने से छोड़ दिया। कोई पता नहीं, कोई बस हमें टहला देते, हो रहा तुम्हारा काम हो रहा है 29 तारीख से, आज 20-21 दिन हो गए, कोई अभी तक पता नहीं है। लड़की लोग ले गए, लड़की उठा लिया, कोई पुलिस नहीं सुना। अच्छा, गांव के रहने वाले दबंग है, दो लड़की और ले गए हैं, वो तीन लड़की ले गए 3 महीने के भीतर भीतर, वो जाने बेचते हैं कि धंधा करते हैं क्या करते हैं। एक तो ले गए दिव्यापुर से, कितने दिन हो गए लड़की की लापता हुए? 29 नवंबर से गायब है, आज 21 दिन हो। अच्छा, क्या घटना हुई है आप लोगों से? बेटी की हमारी गायब है। कब से गायब है? पता नहीं, लोग कह रहे 7:30 बजे देखो शाम के, हमने 5:30 बजे देखा। अच्छा, कितनी उम्र होगी उसकी? 8 साल। क्या समझ में आता है? आपने उसकी जांच दिखवाया अगल बगल? नहीं, सवाल ढूंढ रहे पूरे क्षेत्र में, कहूँ पता नहीं चल रहा। अच्छा, पुलिस क्या कर रही है? ढूंढ रहे हैं सब लोग, कल से जब खड़े। अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र की, जहां 8 साल की नाबालिग बच्ची 3 दिनों से गायब है, लेकिन पुलिस इसका भी पता लगाने में नाकाम साबित दिख रही है, जिसके चलते महिला अपराध पर अंकुश लगने और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कानपुर रेंज के IG प्रशांत कुमार खुद कानपुर देहात के दौरे पर निकल पड़े और गाँव पहुँच कर जंगलों और क्षेत्र के तमाम लोगों से पूछताछ करने में लगे। IG के खुद आने से कानपुर देहात पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़े हो गए, आखिर कानपुर देहात पुलिस अपने काम में कितनी एक्टिव है, ये तो समय ही बताएगा। भोगनीपुर थाना क्षेत्र से गायब 8 वर्षीय बच्ची अपने परिवार से बहुत दूर है, IG ने खुद परिजनों से मिलकर जांच कर खोजबीन तेजी से कराने के सख्त निर्देश दिए हैं और परिवार वालों को जल्द भरोसा दिया है कि आपकी बच्ची मिल जाएगी। मैं निरीक्षण किया है, जांच की है, दो दिन से बेटी लापता है, क्या कुछ मामला है? परसों शाम को ये बेटी, छोटी बच्ची है 8 साल की, ये कहीं टेलीविजन देख रही थी अपने घर के बगल में ही, और वहाँ के बाद इसका भी कोई पता नहीं चला, और कल जब पुलिस को सूचना हुई उसके बाद हम लोगों ने तलाश तेज की है, और तलाश पुलिस को सूचना होने के बाद हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया है। अभियोग पंजीकरण के बाद उस बच्ची को ढूंढने के लिए उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज आपके परिवार की, मेरी माता जी और अन्य गांव के लोगों से बात की, और चूंकि ये अंतिम गांव है, इसके बाद नदी भी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में और अन्य जो भी संभावनाएँ हैं उन परिप्रेक्ष्य में विवेचना की जाए। VideoDex AmarUjala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।